आजकल तो हाल ये है कि हमारा जमीर भी मर चुका है। किस तरह? कान खुलकर सुने ये बात। इलेक्शन के हारने पर हमें रोना आया, वर्ल्ड कप हारने पर हमें रोना आया। हमारी जो टीम है वो हार जाती है तो हमें रोना आता है। जिस पार्टी को हमने वोट दिया वो पार्टी हार गई तो हमें रोना आता है। कमाल की बात है, लेकिन जिंदगी में इतनी नमाजें छूट गई, कभी रोना नहीं आया। फिलिस्तीन के इतने मुसलमानों को मार दिया गया, कभी रोना नहीं आया। कभी नमाज के छूटने पर हमें रोना क्यों नहीं आया? कुरान हमसे पढ़ना नहीं आता, कभी रोना नहीं आया। वालिद साहब मुझसे नाराज थे और नाराज ही इस दुनिया से चले गए, कभी सोचकर रोना नहीं आया। मैं जिंदा रहते हुए 50 साल तक अपने वालिद साहब की खिदमत नहीं कर सका, कभी रोना नहीं आया। लेकिन मेरी पार्टी, जिस पार्टी को मैंने वोट दिया वो पार्टी हार गई, अफसोस, रोना आ रहा है सबको। कैसे मुसलमान है, काश के नमाज के छूटने पर रोना आता। कितनी नमाजें जो आपने मैच देखते हुए, क्रिकेट देखते हुए, वर्ल्ड कप देखते हुए और इलेक्शन में जिंदाबाद मुर्दाबाद कहते हुए कितनी नमाजों को छोड़ दिया है, उन नमाजों को आखिर कब अदा करोगे? कब वो नमाज आपकी मुकम्मल होगी? कब उन नमाजों को लौटाओगे? तो मैच के हारने पर रोना आया, इलेक्शन के हारने पर रोना आया, लेकिन मस्जिद को एक महीने से नहीं आए, कभी रोना नहीं आया। फजर की नमाज महीने हो गए नहीं पढ़ा, फजर की नमाज, लेकिन कभी रोना नहीं आया। भाई वो इलेक्शन है, 5 साल के बाद फिर कोशिश करेंगे, फिर जीतेंगे। अगर आपकी पार्टी हार गई तो कोई बात नहीं, आपने जिसको वोट दिया है उनके पास मौका है, वो 5 साल के बाद फिर इस मौके को इस्तेमाल करेंगे, फिर से कोशिश करेंगे, फिर से उनकी हुकूमत आएगी। लेकिन आपके पास मौका नहीं है, आपके पास एक ही जिंदगी है, आपको 2 जिंदगी नहीं है। ये उनका अकीदा है गैर मुस्लिमों का 7 जन्म मिलेंगे, यहाँ एक ही जन्म एक ही जिंदगी है, और आपके पास दूसरा मौका नहीं है। उनके पास मौका है, वो 5 साल के बाद फिर से इलेक्शन लड़ेंगे, फिर से हुकूमत में आ सकते हैं, लेकिन आपके पास कोई मौका नहीं है। आपके पास एक ही जिंदगी है और इसी एक जिंदगी में आपको तैयारी करनी है। वो 5 साल के बाद तैयारी करेंगे फिर से जीतने की, लेकिन आप अपनी आखिरत की तैयारी कब करोगे? आप अपनी कब्र की तैयारी कब करोगे? मैदान हशर में आपको जमा होना है तो आप कब तैयारी करोगे अपने सवाल और जवाब की? लेकिन मेरी पार्टी का हार गया, इस बात पर रोना आया। मेरी मैच जो मेरी क्रिकेट टीम थी वो हार गई, वर्ल्ड कप हम लोग हार गए, इस पर रोना आया। लेकिन आप तो जिंदगी हार चुके, वो सिर्फ मैच आ रहे हैं, इलेक्शन हारे हैं, और उनके पास मौका भी है, उनके पास मौका भी है, उस पर रोना आया। लेकिन हमारे पास जिंदगी एक ही है, आप तो पूरी जिंदगी हार चुके हैं अल्लाह को नाराज करके। अगर आप इस दुनिया से इस तरह चलेंगे, अल्लाह आपसे नाराज है, तो आप जिंदगी हार चुके हैं, आप जिंदगी की बारी हार चुके हैं। उनके पास मौका है, मरने के बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा। तो अपने ईमान को जिंदा करें, अपने ईमान को मजबूत करें।